वेलकम टू माय चैनल भारत एक नई वेटनरी। भारत एक नई वेटनरी में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से पशु पक्षी जानवर संबंधित अर्थात वेट पेट एंड कैटल संबंधित दवा को लेकर आते रहते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर अमित माझी, बाह्य पूर्व कर्मचारी, और इसी के साथ आज का हमारा मिशन है, आप फोटो देखकर थंबनेल देखकर जान गए कि आज का हमारा मिशन क्या है। आज का हमारा मिशन, अगर आपके पशु के शरीर के अंदर, पेट के अंदर, आंत में जटिल जटिल कीड़े पड़ गए हों, जिसे हम केचुआ कहते हैं, क्रीम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उसका हम सफाया कैसे करेंगे, एक ही दवा से सभी कीड़ों को सफाया कैसे करेंगे अंदर के, तो इसकी पहचान क्या, हम बताते रहते हैं। लेकिन एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, अगर हमारे पशु के पेट के कीड़े पड़ गए हैं, आंत में कीड़े पड़ गए हैं, तो उसका पहचान यह है, आंखों में कीचड़ आना, जानवर का दुबला पतला होना, खाना पीना लगना ना, या बहुत खाता पीता हो, पेट निकल गया हो, गोबर पतला करना, गाय भैंस अक्सर अपना पेशाब पीने लगती हैं, तो ये सब है पेट के कीड़े की पहचान। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं आज आपके सामने नीलजान। आपको दिखा दें नीलजान सिरप। इसके पहले हमने नीलजान बोला फरसा टेबलेट के बारे में बताया था। यह नीलजान सिरप वीरबैग कंपनी का बनाया गया है। वीरबैग कंपनी बहुत ही अच्छी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, और यह वीरबैग पशु की दवा बनाती रहती है, और ह्यूमन में इसका नाम गैलेक्सिस नाम से चलता है, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जाता है, या बहुत पेट कंपनी मानी जाती है। तो इसका दवा भी अच्छा काम करेगा। और इसका फार्मूला क्या है, इसमें लीवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड, आफिक्लोजनाइड, जिंक सल्फेट, कोबाल सल्फेट, कापर सल्फेट इत्यादि है। अब हम इसको बता दें, यह दवा खिलाने से पफ के पेट के अंदर कीड़े मरेंगे, साथ में लीवर की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, और जानवर को भूख भी लगेगा, वो भी कैसे, अब आपको बता दें। लीवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड लीवर की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अर्थात किसी भी कारणवश लीवर काम करना बंद कर दिया हो, या कीड़े की दवा खिलाने से जो इसमें है लीवर पे असर पड़ता है, और पशु चारा पानी कम खाने लगता है, तो उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नंबर दो, इसमें कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कोबाल सल्फेट, ये तीनों एक सूक्ष्म तत्व है, जो कि शरीर के किसी भी शरीर यानी सूक्ष्म तत्व मिनरल मिक्सचर में इसको पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य सूक्ष्म तत्व निकाले गए इसलिए हैं कि केचुए की दवा देने से कुछ तत्व गिर जाते हैं, उसकी कमी को पूरा करता है, और जो आप चारा पानी खिलाएंगे पचेगा, क्योंकि कोबाल क्लोराइड अक्सर पचाने काम करता है, तो जब पचेगा तो जानवर के शरीर पे लगेगा। और इसमें आक्सिक्लोजानाइड, इसमें यही एक दवा है आक्सिक्लोजानाइड, आप देख सकते हैं आक्सिक्लोजानाइड ही केचुए को मारता, और तब कोई लीवर क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो कोई लीवर क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो कोई सूक्ष्म तत्व है, तो इससे आप जान लीजिए कि इसको पिलाने से शरीर के अंदर कीड़े मरेंगे, फात लीवर क्रियाशीलता बढ़ेगा, जानवर चारा पानी ज़्यादा खाएगा, और यह पूरी तरीके से प्रेगनेंसी सेफ भी है, आप इसको प्रेगनेंट जानवर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीलजान एक जाना माना नाम है, और लेकिन समस्या ये आती है, आप लोग कहते हैं कि हमने नीलजान खिला दिया, पिला दिया, लेकिन काम नहीं किया। हाँ सही है, तो अगर काम नहीं करता है तो आप दोबारा पिला सकते हैं, लेकिन अगर आप सही से को खिलाएंगे तो काम जरूर करेगा। इसको देने का तरीका यह है, मोस्टली 90% की केचुए की दवा, कीड़े की दवा हम लोग शाम को देते हैं, तो इसको भी शाम को ही दीजिए, अवश्य काम करेगा। और अगर इस दवा को देने के बाद आपका जानवर गोबर पतला बहुत ज़्यादा करने लगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
या 2-3 दिन बाद सामान हो जाएगा और जानवर पुनः चारा पानी खान लेगा। गौर पतला करते समय हो सकता है आपका पशु 1-2 दिन के लिए चारा पानी छोड़ दे, तो इसमें आप नॉर्मल दवा दे दीजिए या तो छोड़ दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज का कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में इससे बेहतर वीडियो हम आपको देते रहें। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।